नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के बारे में। बिहार सरकार अब रोजगार को लेकर ध्यान देते हुए वाहन जांच केंद्र खोलने पर जोर दे रही है। एक तो प्रदूषण की भी जांच होगी और दूसरी तरफ लोगों को इसको लेकर जो है रोजगार भी मिलेगा। ऐसे में बिहार सरकार ने प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जाँच खोलने के लिए आवेदकों को अब 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने आम लोगों से आवेदन आमंत्रित किया है। बता दें कि इस योजना का लाभ वैसे प्रखंडों में मिलेगा जहां पेट्रोल पंप एवं वाहन सर्विस सेंटर के अतिरिक्त एक भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है। इसको लेकर बोलते हुए परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि नए प्रदूषण जाँच केंद्र खुलने से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेगा और वहीं लोगों को वाहन प्रदूषण जांच कराने में भी सहूलियत होगी। विभाग की तरफ से यह भी बताया गया है कि जिस उपकरण का खरीद की जाएगी उसका 50% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अनुदान को लेकर बोलते हुए परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसके तहत प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों में स्मोक मीटर, गैस एनालाइजर, डेस्कटॉप इंटरनेट के साथ साथ प्रिंटर एवं यूपीएस की खरीद पर 50% की राशि या फिर अधिकतम 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उन्हें जो है दी जाएगी। विभाग की तरफ से इसको लेकर योग्यता का भी निर्धारण किया गया है। आवेदक को उसी प्रखंड का स्थायी निवासी होना होगा जिस प्रखंड से वह जाँच केंद्र खोला जाएगा। आवेदक स्वयं या फिर उसका स्टाफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर ऑटोमोबाइल अभियंत्रण में डिग्रीधारी अथवा डिप्लोमा हो, अन्यथा इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं कक्षा विज्ञान में उसकी उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर मोटर वाहन से संबंधित किसी भी ट्रेड में ITI में वह पास होना चाहिए। इसके चयन के क्या है प्रक्रिया? एक से अधिक आवेदन आने पर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता जो है उसका मापदंड रखा गया है। प्राथमिकता किसी प्रखंड के एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर स्थिति में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। 2 आवेदन की शैक्षणिक योग्यता समान होने पर उच्चतम योग्यता के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए आवेदन की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता ही मान्य की जाएगी। परिवहन विभाग ने आवेदन की है मांग। प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए इच्छुक आवेदक 15 जनवरी 2022 तक विहिप प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में दे सकते हैं। योग्य लाभुकों को चयन 17 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रखंडवार सूची का प्रकाशन 24 जनवरी 2022 तक संबंधित प्रखंडों में किया जाएगा। इसके बाद 25 जनवरी 2022 को इसका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। ऐसे में बिहार सरकार लगातार एक तरह से कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर अग्रसर है। ऐसे में वह वाहन जांच केंद्र खोलने की बात कर रही है वैसे प्रखंडों में जहां एक भी वाहन जांच केंद्र नहीं है। ऐसे में अगर आपकी भी योग्यता वाहन जांच केंद्र के तहत आती है तो आप भी जो है वाहन जांच केंद्र खुलवा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।